हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तेजवन फूडी एंड क्राफ्टी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ छोटे बच्चों से लेकर दादा और नाना तक को पसंद आने वाली चुस्की, यानी कि बर्फ़ का गोला। चुस्की देखते ही खाने का मन कर रहा है ना? जिस जिसको चुस्की पसंद है वीडियो को एक लाइक तो करेगा ही। तो बर्फ़ के गोले की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि गोले के ऊपर रसना। तो बर्फ़ के गोला बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उस पे लगाने का रस, यानी कि कलर। तीन टाइप के कलर आपको बताऊंगी, ग्रीन, ऑरेंज और सबका फेवरेट काला खट्टा। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे हम आधा ग्लास पानी और एक बाउल भर के ये शक्कर का। फ्लेम को एकदम हाई कर लेना है और इसे लगातार आते हुए एकदम गर्म होने तक लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये शक्कर जो है पैन में चिपकने लगेगी। अच्छे से उबाल आए जब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये चाशनी एकदम थिक होती जाएगी। तो एक बार का उबाल आ चुका है, अब हम फ्लेम को कर देंगे एकदम लो और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होगा, एक तो हमारी शक्कर जमेगी नहीं और ये जो चाशनी बनी है वो एकदम वाइट हो जाएगी। तो ये हमारी वाइट एकदम अच्छे से साफ चाशनी रेडी है। इसे कर देते हैं गैस को बंद। अब इसको दो भागों में डिवाइड करती हूँ मैं। एक में डालेंगे हम ऑरेंज कलर और एक में डालेंगे हम ग्रीन कलर। ये इस तरीके से डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा ग्रीन और ऑरेंज कलर रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है काला खट्टा। के लिए सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से हमें चाशनी बना लेनी है। ये मैंने चाशनी बना के रेडी कर ली है दूसरी। अब क्या करेंगे, अब मैंने इसमें डाला है ये ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर। इन दोनों कलर को थोड़ा थोड़ा दोनों कलर ले लें, दोनों को मिक्स करेंगे, उससे क्या बनेगा, ये एकदम ब्लैक कलर हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करके अब चाशनी में डाल देना है। अच्छे से हिलाएं इसको, ये काला रंग हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा, सिका हुआ जीरा है, चाट मसाला और थोड़ा सा सादा नमक। अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा काला खट्टा रंग भी रेडी हो चुका है। सभी कलर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम लेंगे आइस क्यूब्स और इसे मिक्सर जार में इस तरीके से डालना है। एक बार में आधा ही जार भरें और इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे, ब्लेंड करना है। ये हमारी आइस क्यूब्स क्रश हो चुकी है। देखिए, एकदम वाइट स्नो की जैसी हमारी आइस बनी है। तो अब बिना टाइम लगाए हम फटाफट से बना लेते हैं गोला। इसको ज़्यादा टच भी नहीं करना है, नहीं तो ये आइस जल्दी जल्दी पिघलने लगेगी। मैंने लिया है एक गिलास, उसमें डाली है ये आइस, के बाद डालूंगी स्टिक, उसके बाद हम हाथों से प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से दबाएंगे और फिर इसमें और आइस डालेंगे, फिर दोबारा इसे इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए हमें दबाना है। फिर इस तरीके से ही हमें गिलास से निकाल लेना है। ये हमारा बर्फ का गोला तो रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने पसंद का कोई भी रंग। ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोले का मज़ा लें, चुस्की का मज़ा लेते लेते वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।